हेलो, स्वागत है गोवन स्पाइस बॉक्स में। गोवा के हरे भरे ट्रॉपिकल लैंडस्केप में पाम ट्रीज यूं ही लहराते हैं और भिन्न प्रकार के फल देने वाले पेड़ और पौधे उगते हैं ज्यादा मात्रा में, जिसमें से एक है मोरिंगा, जिसे कहते हैं ड्रमस्टिक्स। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं रोजमर्रा का संतोषकारक खाना शिंग्या चिरोस। ये व्यंजन बनता है तूर दाल, ड्रमस्टिक और थोड़े से नारियल के साथ। जो सामग्री चाहिए वो है तूर दाल, टमाटर, प्याज, ड्रमस्टिक, नारियल, हरी मिर्च, जीरा, राई के दाने, धनिया, हिंग, लहसुन, नमक, हल्दी और कड़ी पत्ता। धोकर साफ कर लीजिए तूर दाल को और फिर इसे पका लीजिए हल्दी, नमक और पानी के साथ। यह ड्रमस्टिक की डाली, ध्यान रहे कि आप चुने अच्छी नरम डालियां, जो हो ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली और जिनमें ज्यादा डाग भी ना हो। हम इन्हें काटेंगे 2 इंच के टुकड़ों में और उबाल लेंगे। एक पैन में पानी को गर्म करें। थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी, ड्रमस्टिक्स डालें और इन्हें पकाएं 10 से 15 मिनटों के लिए, जब तक ये हो जाए नरम। अब हम बनाएंगे पेस्ट। उसके लिए हम मिक्सर में लेंगे नारियल, थोड़े से प्याज, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े से, जीरा, और लहसुन की कलियां डालेंगे, थोड़ा सा पानी और इसे पीस लेंगे बारीक मिश्रण में। एक मोटे बेस वाले पैन में हम डालेंगे दाल जो पकी हुई है, पकी हुई ड्रमस्टिक और पानी जिसमें हमने इसे पकाया था, याद है इसमें नमक भी डाला था, वो पेस्ट जो हमने पिसा हुआ है। थोड़े से टमाटर, जिससे आएगी थोड़ी खट्टी सी फ्लेवर इस दाल में। अच्छे से मिला लीजिए और इसे पकाइए 10 से 12 मिनटों के लिए। दाल अब ऑलमोस्ट उबल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और पानी कंसिस्टेंसी के लिए। दाल ना ज्यादा गाढ़ी ना ज्यादा पतली होनी चाहिए, पर आप हमेशा अपने तरीके से बना सकते हैं। इसे और 10 मिनटों के लिए उबलने दीजिए। अब हम तैयार करेंगे इस दाल के लिए अच्छा सा तड़का। आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल के तेल का अगर आप चाहें। तेल गरम होने दीजिए और फिर इसमें डालेंगे जीरा, राई, लहसुन। अब हम इसे तड़तड़ने देंगे और ब्राउन होने देंगे। लहसुन अब ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और थोड़ी सी हिंग।
गैस बंद कर दीजिए। फिर ये तड़का जो तैयार है इसे दाल और ड्रमस्टिक के मिश्रण में डालेंगे। गार्निश करेंगे धनिया के साथ और सर्व करेंगे चावल या ब्रेड के साथ। ड्रमस्टिक्स में ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है। 100 ग्राम ड्रमस्टिक में होता है 235 टक्का हमारी रोज की रिक्वायरमेंट का। तो जैसे आपने देखा ये बहुत सेहतमंद है। मैं इस दाल को शुक्रवार की रात को बनाती हूँ जब मेरा हफ्ता गया हो बहुत मुश्किल, जब मुझे खाना हो कुछ लाइट और पौष्टिक। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे खूब बनाएंगे और मजे उठाएंगे।